अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द टीचर्स ऑफ गुरुशाला जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सेशन के लिए। आज हमारे साथ मिस्टर प्रदीप नेगी सर हैं जो ICT नेशनल अवार्डी हैं और अभी करेंटली लेक्चरर हैं इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भेल हरिद्वार में, जो आज हमारे साथ बात करेंगे एक सॉफ्टवेयर के ऊपर जिसको हम डिटेल में जानेंगे अभी सेशन के दौरान कि किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो गुरुशाला प्रोग्राम है बेसिकली वो इंडस्टार्स लिमिटेड का इनिशिएटिव है और वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन के द्वारा फंड किया जा रहा है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आज सर बताने वाले हैं, तो हम प्रदीप सर से जानना चाहेंगे कि सर जिस सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं एक्टिव प्रेजेंटर टूल जो है, ये किस प्रकार का टूल है, थोड़ा इसके ऊपर आप हमारे जो शिक्षक हमारे साथ आज के जुड़े हुए हैं उनके साथ थोड़ा सा शेयर करिए कि किस तरीके का टूल है ये। पहले तो आज के सभी व्यूअर्स और शिक्षकों को मेरा नमस्कार। तो आज हम एक्टिव प्रेजेंटर टूल के बारे में थोड़ा जानेंगे कि आखिर ये है क्या। तो एक्टिव प्रेजेंटर ना केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है बल्कि साथ में आपको प्रेजेंटेशन करने की सुविधा भी देता है। इसके साथ साथ इसमें आप छोटे मोटे ई कंटेंट भी बना सकते हैं। तो आओ चलो अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर एक्टिव प्रेजेंटर आखिर है क्या चीज। जी, तो एक्टिव प्रेजेंटर क्या है? तो एक्टिव प्रेजेंटर एक पूर्ण ई लर्निंग सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने, प्रस्तुतिकरण बनाने, वीडियो संपादन, ई सामग्री का निर्माण, HTML5 और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। मतलब इसमें आप जो ई कंटेंट बना सकते हैं उसको हम LMS के द्वारा ही शेयर कर सकते हैं। इसके कुछ टूल्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वो हम इसमें आज बनाना सीखेंगे। सॉफ्टवेयर गाइड्स है जो सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन के लिए इसमें बनाया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। ऑडियो और वीडियो एडिटिंग टूल्स है कि आप वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। ई लर्निंग गेम्स भी इसमें बनाए जा सकते हैं, आप छोटे मोटे गेम्स भी इसमें बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर सिमुलेशन भी आप इसमें बना सकते हो, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको किसी को जानकारी देनी है तो उसको लेवल वाइज ये ऑटोमेटिकली उसको बना देता है। इसके बाद क्विज बिल्डिंग, आप इसमें क्विज भी बना सकते हैं। इसके बाद जब हम सबसे पहले ई एक्टिव प्रेजेंटर को गूगल में लिखेंगे, ऊपर सर्च इंजन में लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे एक इसका वेब एड्रेस दिखाई देगा। जैसे आप इसको यहाँ पर वेब एड्रेस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन आएगा, क्योंकि एक्टिव प्रेजेंटर आपका ऑफलाइन काम करता, ऑनलाइन ये काम नहीं करता है। इसको ऑफलाइन हम इसको डाउनलोड करेंगे, वहाँ हम इसमें काम कर सकते हैं। तो डाउनलोड जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास दो ऑप्शन पूछेगा। एक्टिव प्रेजेंटर आप यहाँ पर, अगर विंडो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, और अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी फाइल exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक्टिव प्रेजेंटर का सेटअप दिखाई देगा। इसको आपको रन कराना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो रन का ऑप्शन आएगा। रन को आप जैसे क्लिक करेंगे फिर एक्सेप्ट एग्रीमेंट को आपको ऑप्शन चुनना होगा, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर इंस्टॉल इस सॉफ्टवेयर को करेंगे तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे फिनिश कर देंगे। जब आप फिनिश करेंगे तो आपको इसका लोगो यहाँ पे दिखाई देगा, एक्टिव प्रेजेंटर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो पहला इसका जो इंटरफेस है वो इस प्रकार दिखाई देगा आपको स्क्रीन पे। ये ब्लैंक स्लाइड हो गई। अभी हम इसको जब लाइव डेमोंस्ट्रेशन करेंगे तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। तो ये पहला इसका इंटरफेस है। उसके बाद ये दूसरा इंटरफेस इसका दिखाई देगा। ऊपर आपको सबको पता है कि ऊपर वाले मेन्यू बार होते हैं और ये नीचे टाइम लाइन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसी में सारा काम किया जाता है। अरे कैनवास है जहाँ पे प्रेजेंटेशन या वीडियो को बनाया जाता है।
इसके बाद और डिटेल में हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्विक एसेस टूल बार है, फाइल ओपन रीओपन करना, लेआउट सब कुछ दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट टैब यहाँ पे दे रखा है, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हो। इसके बाद स्लाइड्स पेन है, यहाँ पे सारी स्लाइड्स होंगी आपकी, कैनवास जिसमें आप वर्क करेंगे, कोई भी एक्टिविटी हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद 5 टाइमलाइन पेन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम वीडियो को एडिटिंग, कटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग सब इसमें आ जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज पेन, उसके बाद आपका रिसोर्स पेन, यहाँ से आप कोई सामग्री इसमें अपलोड करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। सिलेक्शन पेन, यहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करना उसके बारे में जानकारी होगी। स्लाइड टूल्स पेन 9 नंबर पे, और 10 में ऑब्जेक्ट टेम्पलेट पेन और ऑब्जेक्ट स्टेटस पेन। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 5 जो हमारे पास 5-6 हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे। अच्छा, इसके बाद ये टाइमलाइन पेन को हमने थोड़ा जूम करके यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में बताया। इसके अंदर ये जो सबसे ऊपर लाइन दिखाई दे रही है ये टूल बार बोल, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है छोटे छोटे, जब हम ऑनलाइन करेंगे तो आपको शायद कम दिखाई दे, इस समय जूम करके आपको क्लियर दिख रहा है। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन है यहाँ पे। दूसरा है टाइम, ये जो ऊपर दिख रहा है ये वाली लाइन, ये टाइम है जो वीडियो का टाइम बताती कि कितने ड्यूरेबल, कितने मतलब समय का वीडियो है आपके पास। थर्ड है प्ले हेड, यहाँ से हम वीडियो को प्ले करते हैं, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको प्ले बटन दबाएंगे तो ये हेड हमें चलता दिखाई देगा, मूव करता हुआ दिखाई देगा, तो इससे पता चलेगा वीडियो प्ले हो रहा है। और ये 4 और 5 यहाँ पर स्टार्ट मार्कर बोलेंगे, इसको स्टार्ट और इसको एंड, ये कटिंग और ज्वाइन करने के काम आता है। साउंड कोई भी मतलब आपको क्लिप को कटिंग करनी हो, ज्वाइन करना हो, रीअरेंज करना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, सारे इन्हीं से होते हैं जी। 6 द टाइम बार ऑब्जेक्ट, ये हमें यहाँ पे एनिमेशन के बारे में जानकारी देगा, अगर इसमें हम एनिमेशन डालेंगे, ये ट्रांजेक्शन के बारे में, ये एनिमेशन के बारे में है। ये लाइन जो आपको हल्की सी उठी हुई सी दिख रही है ये साउंड है। इसी प्रकार 7 में हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, 8 में हमें जो यहाँ पे हमारा 8 है ये इंटायर स्लाइड के बारे में बताएगा जी। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है 7, ये वीडियो के बारे में। 11 को हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं, कोई भी जो आपकी ये टाइमलाइन है इस लाइन को हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं और ये यहाँ से प्रॉपर्टीज आदि हमें यहाँ से दिखाएगा, विजिबल बटन्स कंट्रोल यहाँ से हमें प्राप्त हो। तो ये टाइमलाइन प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर हम सारा वर्क इसमें करते हैं। इसके बाद स्लाइड के नीचे यहाँ पे आपको स्लाइड्स दिखाई देगा, जैसे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा कि आपकी प्रोजेक्ट में कितनी स्लाइड्स हैं, जैसे 2 से लेकर 18 है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे HTML प्रीव्यू दिखाएगा, यहाँ पे कोई भी आपको वीडियो प्ले करनी हो या अपना प्रेजेंटेशन प्ले करना हो तो यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे कैनवास जूम लेवल है, जिसको कैनवास ये जो बीच का एरिया है इसको हम जूम कर सकते हैं, काम करते समय हमें दिक्कत आती है तो हम इसको जूम करके देख सकते हैं। अब है रिकॉर्ड योर स्क्रीन, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट, जो मोस्टली एक्टिव प्रेजेंटर को यूज़ किया जाता है और रिकॉर्ड स्क्रीन के लिए किया जाता है। तो इसमें 2 तरीके से रिकॉर्डिंग ऑप्शन दिए हुए, एक तो हम यहाँ से भी रिकॉर्ड वीडियो कर सकते हैं और दूसरा ऐसे रिकॉर्ड स्क्रीन, यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं। तो 2 जगह से आप कर सकते हो। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं रिकॉर्ड वीडियो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, और ये आ रहा है रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर सिमुलेशन, ये तो सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डिंग करता है। यहाँ से किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देनी है, जैसे आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में जानकारी देनी है, तो पूरा यहाँ से आप बना सकते हो, लेवल वाइज बन जाएगा अपने आप। हमें चाहिए रिकॉर्ड वीडियो, तो इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा डेस्कटॉप पे ले जाएगा। डेस्कटॉप पे ले जाएगा और आपके सामने एक पॉपअप मेनू ये खुल जाएगा यहाँ पे। तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर ये कस्टम सेटिंग है और ये फुल स्क्रीन है।
कस्टम में आप अब बीच में देख रहे हो ये नीला कलर का दिख रहा है, इतनी रिकॉर्डिंग करेगा, जो इसके अच्छा पिक्सल है 640 से लेकर 480 तक। ये अगर आप फ्रेम है इसके। हाँ ये फ्रेम है, रिकॉर्डिंग का फ्रेम। अच्छा अगर आपको फुल स्क्रीन पे करना है तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, अगर आपको यहाँ से और करना तो ड्रैग कर सकते हैं इसको, और फ्रंट कैमरा इसका आपकी रिकॉर्डिंग करेगा, फ्रंट जो इसका कैमरा होता है आगे का लैपटॉप का वो आपकी रिकॉर्डिंग साथ साथ करेगा, ये डिफॉल्ट होता है, इसकी रिकॉर्डिंग होगी होगी अपने आप। और यहाँ पे आप रिकॉर्ड जैसे क्लिक करोगे तो फिर ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, और इसको दो तरीके से हम बंद भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की से कंट्रोल और एंड करेंगे तो डायरेक्ट ये बंद हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है इसका एक्टिव प्रेजेंटर का, वहां से अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू खुलेगा ये, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग होते हुए दिखाई देगी, यहाँ पर फ्रेम्स की साउंड की सब कुछ इसमें आता रहेगा, टाइमिंग आता रहेगा, यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं बीच में, और यहाँ से फिर दोबारा भी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर आपको स्टॉप करना है यहाँ पे, जैसे आप स्टॉप करेंगे इसको तो क्या होगा कि आपको ये वापस एक्टिव प्रेजेंटर में ले जाएगा, यहाँ पे एक मेन्यू और खुल जाएगा, तो यहाँ पे हम ओके करना होगा, हमें ओके करेंगे, जैसे हम ओके करेंगे तो ये जो पहली स्लाइड है, अगर स्लाइड ना भी हो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी वीडियो प्रेजेंट कर देगा, ये वीडियो आपकी आ गई, और जो आपकी मैंने कहा फ्रंट कैमरे की जो फोटो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उसके बाद आप चाहते हो कि मैंने जो वीडियो बनाया अब मैं इसको कन्वर्ट करूँ फाइल में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, एक्सपोर्ट हम करेंगे, जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो एक ये मेन्यू खुल जाएगा, इसमें आपको कौन कौन से फॉर्मेट पर फाइल सेव करनी है, AVI, MP4, तो मोस्टली हम MP4 में करते हैं क्योंकि वो सारे प्लेटफॉर्म पे रन करती है, तो MP4 ऑप्शन हम यहाँ से चुनेंगे, फिर ओके कर देंगे, जैसे आप ओके करेंगे तो इस प्रकार की प्रोसेसिंग आपको दिखाई देगी, एक्सपोर्ट टू वीडियो पे ये कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ये मेन्यू आएगा, आप फोल्डर देखना चाहते हैं कहाँ पे आपकी फाइल का आउटपुट है, कहाँ पे इस समय आपकी फाइल सेव है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फाइल ये वाला जो पाथ है ऊपर जो दिख रहा है आपको एड्रेस, इस पीसी डॉक्यूमेंट एक्टिव प्रेजेंटर के अंदर जाकर ये फाइल सेव हो गई है अनटाइटल्ड 3 के नाम से, तो यहाँ पे फाइल सेव हो सकती है और यहाँ से आप इस फाइल को कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फाइल को देखना चाहते हैं जो कि मैंने वीडियो बनाया हो कैसे मेरा दिखेगा, तो HTML5 से देख सकते हैं या आप यहां से भी देख सकते हैं, दो ऑप्शन है, और डेमोस्ट्रेशन है ये आपका टेस्ट नहीं है, ये डेमोस्ट्रेशन है, तो डेमोस्ट्रेशन में आपको ये किस प्रकार दिखाई देगी, इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो ये प्रोसेस होना शुरू होगी और ये HTML में आपको डायरेक्ट प्ले होके दिखाई देगी, स्लाइड वन की फाइल ये वीडियो यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये इसकी सारी सेटिंग्स है। ओके। तो जैसे अभी आपने इतना उसके टूल्स के बारे में बताया है सर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम इसका लाइव डेमो देखेंगे तो और बेहतर तरीके से लोगों को समझ में आएगा। जी हाँ, और क्लियर समझ में आएगा। और इसके कुछ जो ऑडियो के बेसिक टूल्स हैं जी, अब मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि बेसिक ऑडियो एडिटिंग टूल्स क्या है। तो यही मैंने आपको बताया था, जो हमारा ये लाइन जो पेन था उसका टाइमलाइन का, उसको थोड़ा यहाँ से और जूम कराया, यहाँ पे कुछ आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये लाइव जब डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे तो उसमें शायद ये आपको ठीक से ना दिखाई दे, यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है। ये पहला वाला टूल है, ये कट और कॉपी, ये वाला कॉपी ये डिलीट के लिए है और ये क्रॉप के लिए, ये हमारे चार बेसिक टूल्स हैं जिसको हम वीडियो को काट झांट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। ये प्ले हेड है, मैंने बताया था ये आपकी लाइन दिखाई दे रही है वीडियो की लाइन। उसके बाद एक और टूल यहाँ पे है जो स्प्लिट ऑडियो और वीडियो ऑब्जेक्ट को, यहाँ से हम दो हिस्सों में ये फाइल को जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हल्का सा रेड कलर का चिन्ह यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ से फाइल दो हिस्सों में अलग अलग हो जाएगी, जैसे ये होगी स्प्लिट हमने यहाँ पे कर दी। ऐसे हम यहाँ पे एक और आइकन दिख रहा है छोटा सा, ज्वाइन ऑडियो, तो यहाँ पे भी हम उसको क्लिक करेंगे तो ये दो अलग अलग कटी फाइल आपस में जुड़ जाएगी, जैसे इसमें तीन वीडियो 1, 2, 3
हमने दो फाइल काट दी यहाँ से और तीन जी फाइल बना दी। अब तीनों को जोड़ना है तो हम ज्वाइन में जाएंगे तो तीनों जुड़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्ट है, आप किसी भी टाइमलाइन में जाके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, वॉल्यूम को अपनी साउंड उतने एरिया में आप रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है इसमें कि आप साउंड की कहीं पे कम आ रही है उसको बढ़ा सकते हो, या आप चाहते हो कि मेरे को इतना साउंड पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आप पूरा वीडियो रिकॉर्ड ना करके इतना साउंड रिकॉर्ड करना हो तो पहले उतना साउंड डिलीट कर दो और उतना साउंड दोबारा से रिकॉर्डिंग करके आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा करनी हो आपको, स्लो मोशन या फास्ट मोशन, तो आप देख रहे हैं ये आदमी यहाँ पे रनिंग दिख रहा है, तो इससे आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें फाइल को हम इंसर्ट कर सकते हैं, क्रिएट नई फाइल बना सकते हैं या इंसर्ट कमांड से, अभी हम करके देखेंगे इसको। और ये बैकग्राउंड लूप भी है इसमें बहुत सारे, म्यूजिक फाइल भी हम इसमें डाल सकते हैं, इंटायर वीडियो पे म्यूजिक फाइल डाल सकती है। ऑडियो नॉइस रिडक्शन भी है, अगर आपकी वीडियो में नॉइस आता है तो उसको भी आप यहाँ पे रिडक्शन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उसको नॉइस। यहाँ पर आप एक वीडियो के अंदर दूसरा वीडियो भी डाल सकते हैं, और आपने देखा कि दूसरे वीडियो में अगर ग्रीन इफेक्ट्स है तो ग्रीन इफेक्ट को भी हम इसमें अरोमा जो की होती है उससे भी हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो उसका भी हमें फायदा मिलता है कि हम बैकग्राउंड कस्टमाइज कर सकते हैं अपने आप। इसके बाद इसका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो टूल बार आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक्टिविटी ई कंटेंट बनाई जा सकती है इसमें, जैसे ट्रू फॉल्स बनाए जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस बना सकते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स, चुनिंदा ब्लैंक्स हो गए, एंट्रीज हो गई, सिक्वेंस ड्रैग एंड ड्रॉप भी बन सकता है इसमें, और हॉटस्पॉट भी बनाया जा सकता है इसमें। मैं एक दो गेम आपको दिखाऊंगा जो इसमें इन बिल्ड है, मतलब बना रखे हैं, आप भी उनको बना सकते हैं। जैसे मैंने एक इसमें एक्टिविटी बनाई थी, ये भारत के राज्य और उनकी राजधानी, तो मौका मिलेगा तो हम इसको दिखाएंगे कि ये कैसे मैंने इसको बनाया था। तो ये एक मैंने बनाई थी और इसको हमने इस प्रकार प्ले करा, और इसमें आपका रिजल्ट भी आ जाता है पूरा, अच्छा। कौन सा मतलब आपने कितने करेक्ट उत्तर दिए, कितने गलत उत्तर दिए, सारे रिजल्ट आ जाता है, और परसेंटेज मार्क्स भी आ जाती है। आप रिव्यू करके दोबारा क्वेश्चन के आंसर चेक कर सकते, कौन कौन से गलत हुए, कौन से मेरे सही हुए। तो एक इसमें ये फीचर्स भी है जो कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज करी है, तो मेरे को लगता है ये उन स्क्रीन रिकॉर्डिंग से थोड़ा बेहतर इसलिए है कि आप इसमें ई कंटेंट भी बना सकते हो और कस्टमाइज भी कर सकते हो काफ़ी चीज़ों को, प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, जबकि दूसरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही होगी, उसमें वीडियो एडिटिंग के सारे टूल मिलेंगे लेकिन उसमें आपको प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। तो इसमें आप जैसे PPT का हम प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो वाला प्रेजेंटेशन भी इसमें बनाया जा सकता है। तो अभी सर जैसे कि हमने देखा है, क्योंकि आपने काफी सारे जो प्रश्न हैं वो मन में जगा दिए हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स हमने देखे हैं और अलग अलग तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ पे आप पीछे बैकग्राउंड में स्क्रीन हटा सकते हैं, आप ऑडियो को भी एडिट कर सकते हैं, आप नॉइज भी कम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सर इसको आगे चल के एक बार समझना चाहेंगे हम, एक प्रश्न है आपसे, ये जो सॉफ्टवेयर है पूरा सर, ये ऑनलाइन काम करता है या ऑफलाइन भी काम करता है? सर ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है इसको आप, लेकिन आप इसकी फाइल को जो इसकी एप्लीकेशन है उसको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। अच्छा। और ये सॉफ्टवेयर माउस में, ये सॉफ्टवेयर आपका मोबाइल पे भी वर्क नहीं करता, इसका कोई ऐप नहीं है, ये वेब रिसोर्स है, मतलब ये आपको कंप्यूटर में ही इसमें काम करना होगा। ओके, तो बनाते समय सर कंप्यूटर में काम करना होगा, लेकिन अगर हम रिसोर्स शेयर करते हैं उस समय क्या ये मोबाइल पे यूज किया जा सकता है? हाँ, वीडियो आप मोबाइल पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको MP4 बनाओगे। अच्छा। अगर आप MP4 नहीं बनाओगे तो फिर वो दूसरे फॉर्मेट में शेयर नहीं होगा। वीडियो तो आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रेजेंटेशन है और आपके जो गेम्स आप इनबिल्ड इसमें बनाओगे, क्विज बनाओगे, तो वो केवल इनका जो LMS होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसी के अधीन आपको शेयर कर पाओगे। उसमें अच्छा। कई चीज का फायदा ये होता है कि जब आप उसको शेयर करोगे, उसका लिंक शेयर करोगे, तो
तो बच्चे उसको ईमेल के द्वारा उसमें ज्वाइन होंगे, जब बच्चे उस गेम को खेलेंगे या उसका जो रिजल्ट आएगा उसके मार्क्स आपको दिखाई देंगे कि हाँ इस बच्चे ने एक्सेस किया, इसको इतने समय पे किया और कितने उसके मार्क्स आए। ओके ओके, तो आपके पास पूरी डाटा शीट आ जाएगी। बिल्कुल, ये क्योंकि और काफी अच्छा हो सकता है टीचर्स के लिए, अगर मान लीजिए पूरा रिजल्ट उसके अंदर आ रहा है डिटेल में देखने के लिए, क्योंकि आप बनाने के बाद ये देखना जरूर चाहेंगे कि हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है। तो सर इसको थोड़ा सा एक बार, जैसे हम बोल भी रहे थे शुरू से, एक बार देखते हैं कि लाइव वेस को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से सॉफ्टवेयर काम करता है। तो हमारे सभी शिक्षक इंतजार कर रहे हैं इसको देखने के लिए कि किस तरीके से ये एक्चुअल में काम करता है। तो सर अभी हमको इसके बारे में बताएंगे कि लाइव किस तरीके से चलता है सॉफ्टवेयर। जी सर, तो लाइव डेमोंस्ट्रेशन अब हम देखते हैं इसको। जी, तो यहाँ पर हमारा ये मैंने बताया था एक्टिव प्रेजेंटर है, तो इसको जैसे मैंने क्लिक किया तो ये सबसे पहले इसका एक इंटरफेस खुलेगा, फर्स्ट इंटरफेस। अगर आपको केवल वीडियो में काम करना है आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अंदर से और काम करूँ तो यहाँ से फर्स्ट ब्लैंक स्लाइड ले सकते हो। इसमें ये रेडीमेड स्लाइड है, आपको जो स्लाइड पसंद है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मैं सैंपल दिखाना चाहता हूँ जो इसमें इनबिल्ड बना रखे हैं, आप भी उसको देख के कितना अच्छा बना सकते हैं। जैसे इसमें प्रेजेंटेशन है वेलकोनो का, तो वेलकोनो आपको पता है ज्वालामुखी हम कहते हैं उसको, वेलकोनो को, तो ज्वालामुखी किस प्रकार हम इसको बना सकते हैं प्रेजेंटेशन, ये देखिए। तो इसमें सर प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू? हाँ, प्रेजेंटेशन के लिए भी टूल है बहुत अच्छा। वीडियो भी इसमें हम डाल सकते हैं और पिक्चर, और इसके बारे में लेवल भी कर सकते हैं जी, और इनको हॉटस्पॉट में एक्टिविटी भी बनाई जा सकती है इसमें। अच्छा, इसको मैं स्पीड में दिखा रहा हूँ थोड़ा कि इसमें बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, और साथ में इसमें क्विज भी जोड़ दिया है। प्रेजेंटेशन पूरा पढ़ाने के बाद आप इसमें देख रहे क्विज है, जैसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो ये जैसे व्हाट इज द डोरमेंट वेलकनो, हम कोई भी ऑप्शन जैसे चुन लेंगे तो ये बता रहा है कि आपने ऑप्शन गलत चुना, ये इसका आंसर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम गए। अच्छा, जैसे इमेज है ये पूछ रहा है व्हाट इज मैग्मा, मैग्मा क्या है, तो हम इसमें जैसे हॉल्ट ये लिख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन चुनते हैं, तो ये बता रहा है ये सही हमारा उत्तर। आगे जाएंगे तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें आप प्रेजेंटेशन के साथ साथ एक्टिविटी भी बच्चों से करा सकते हैं, मतलब क्विज में पार्टिसिपेट बच्चे कर सकते हैं और बाद में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो एक प्रकार की एक्टिविटी इस प्रकार की बनाई जा सकती है। इसमें जैसे एक गेम है ये बना रखा है, पूरा पैकेज है इसके अंदर, आपने प्रेजेंटेशन से लेकर पूरा बनाया हुआ है। हाँ, इसको देख के आप भी बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा उसकी सेटिंग पे जाना पड़ेगा आपको, जैसे प्ले करेंगे इसमें टेरेसवर, इसमें दे रखा है मैप की खजाने का नक्शा दे रखा है, और यहाँ से जहाज जाएगा प्ले जैसे हम करेंगे तो ये पानी का जहाज जा रहा है, ये खजाना है। यहाँ पे खजाने में क्वेश्चन है, जब हम इसका उत्तर देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, उत्तर गलत हो गए तो बैक हो जाएंगे। अच्छा, तो हु हैव बीन प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूएसए, कौन कौन थे, तो बिल क्लिंटन थे, जॉर्ज बुश थे और बराक ओबामा थे। तो हम जैसे सबमिट करते हैं इसको तो ये सही हो गया हमारा उत्तर, और हमारा जहाज और आगे बढ़ गया खजाने के लिए। तो क्लिक करेंगे तो कलर कितना रेनबो में 7 होते हैं, तो हम सबमिट कर देंगे तो ये फिर आगे बढ़ गया। ये अगली स्लाइड में इसको जोड़ा हुआ है। अच्छा, और फिर इसमें हम जैसे इसको ट्रम्प हमारे फॉल्स था, 40th नहीं थे वो, फिर ये आगे बढ़ेगा और इस प्रकार फिर लास्ट में हम पहुंचेंगे। तो वर्ल्ड कप जो हुआ था 2018 में कहाँ हुआ था, तो ये मेरे को लग रहा है रशिया में हुआ था, और सबमिट करेंगे तो इस प्रकार हम जीत गए, पैसों की आवाज भी आ रही है। तो ये हम इस प्रकार इसमें एक्टिविटी बना सकते हैं बहुत सारी।
इसमें मैथ्स की भी इसमें बना रखी है लोगों ने एक्टिविटी, ये इनबिल्ड है इसमें, हम भी बना सकते हैं मैथ्स के जो हमारे टीचर्स हैं वो भी इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके बना सकते हैं। अच्छा, तो इसमें सर और किस किस प्रकार के ई कंटेंट का निर्माण किया जा सकता है? जैसे आपने क्विज बताया है, हाँ वीडियो का अभी संपादन बताया है। अभी मैं बताता हूँ सर, जैसे ये इस जी प्रकार के क्विज बनाए जा सकते हैं, ये मैथ्स के हैं, ये तो थे हमारे जो इसमें इनबिल्ड है। आप अपने इसमें एक्सप्लोर करके बहुत कुछ बना सकते हैं। तो हम आ जी जाते हैं टेम्पलेट पे, और टेम्पलेट में ब्लैंक स्लाइड लेते हैं पहले। तो आपने अभी मेरे से पर्सन पूछा था कि कौन कौन सी एक्टिविटी बनाई जा सकती है, तो जो ये इसका इंटरफेस है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये दूसरा इंटरफेस है और यही इसका मेन इंटरफेस है। ये थोड़ा थोड़ा पावर पॉइंट की तरह आपको दिखाई देगा, और 50% फीचर्स पावर पॉइंट के ही हैं इसमें पीपीटी के, और पीपीटी को भी आप यहाँ पर इंपोर्ट करके ला सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें एनिमेशन में फर्क आ जाता है और बैकग्राउंड में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, बाकी टेक्स्ट में कोई फर्क नहीं आता। पीपीटी को भी आप यहाँ पे इम्पोर्ट करके ला सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे मेन्यू दे रखे हैं यहाँ पे। पहले मैं आपका जो आपने पूछा था पर्सन, ये कौन कौन से हम ई कंटेंट इसमें बना सकते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, और फिल इन टेक्स्ट एंट्री, फिल इन टेक्स्ट एंट्रीज, फिल इन द ब्लैंक, सीक्वेंस, ड्रैग एंड ड्रॉप, हॉट स्पॉट, ऐसे बहुत सारे हैं। ये काफी चीज हम इसमें बना सकते हैं। तो अब हम इसका सबसे पहले टूल्स के बारे में थोड़ा सा देख लें कि जैसे हमें नई स्लाइड लेनी है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये काफी स्लाइड्स यहाँ पे दिख रही है। जैसे हमने एक और स्लाइड लेनी है तो ब्लैंक हमने ले ली तो हमारे पास दो स्लाइड हो गई। उसी प्रकार आप इसके लेआउट में चाहिए, स्लाइड्स में लेआउट भी आ गया कि किस प्रकार के आपको स्लाइड चाहिए, यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। उससे पहले एक दो चीज और बता दूं, इंसर्ट, इंसर्ट में जाके आप यहाँ पे देख रहे हो कंटेनर लिखा हुआ है, इस पे आप कोई भी इसमें इस स्लाइड्स को कई हिस्सों में आप यहाँ पे बांट सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में ये बढ़ गई है स्लाइड। यहाँ पे अंडू और रीडू दोनों कमांड्स हैं, अरे फाइल्स यहाँ से सेव हम कर सकते हैं, यहाँ से फाइल ओपन कर सकते हैं। इसको क्लिक किया मैंने दोबारा, यहाँ पर हम शेप, कोई भी शेप इसमें ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे हम ड्रॉ भी कर सकते हैं कोई भी शेप, जैसे मैंने ये शेप ले ली इस प्रकार। और टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट अगर मेरे को लिखना हो कोई भी टेक्स्ट तो आप देखेंगे ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जैसे को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ से, ये देखिए कमांड बोल्ड, ये बोल्ड हो रहा है, यहाँ से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से एकदम इसको 40 पे ले जाते हैं। तो आपने देखा कि हमने इसको टेक्स्ट को काफी बड़ा कर दिया है। तो इंसर्ट कमांड में स्पॉटलाइट भी है, जैसे आप तो इस किसी टेक्स्ट पे आप चाहे तो हाईलाइटेड हो तो ये टेक्स्ट कितने हाईलाइटेड हो और बाकी अंधेरा हो जाएगा, स्पॉटलाइट का मतलब ये। अच्छा, इसके बाद इसमें मैथ्स वालों के लिए इक्वेशन है इनबिल्ट। टाइपिंग में बहुत दिक्कत आती है, जैसे इक्वेशन लिखनी है तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको अपने आप इसके अंदर हम भर सकते हैं कुछ कुछ भी मैथ्स के, अगर आपको कुछ चीज टाइप करनी है। फिर इसमें आइकन्स भी दिए हैं, रेडीमेड आइकन्स हैं कुछ, जिससे बहुत सारे आइकन दिए हुए, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पे हमें कुछ क्लिप आर्ट हमें चाहिए यहाँ से तो हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने फेसबुक लिया, क्लिक कर दिया और इसको मूव कर दिया तो ये फेसबुक का आइकन। जी, इसी बीच प्रदीप सर हमारे पास एक प्रश्न है, एक सर ने पूछा है, शशिकांत सर ने, कि विच प्लेटफॉर्म यूज टू मेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा आपने ऑलरेडी बताया है इसमें पहले भी कि इसके अंदर ही जो हमारा एक्टिव प्रेजेंटर प्लेटफॉर्म है इसके अंदर ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने का एक फॉर्मेट है, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसको हम एक बार और देख लेंगे किस तरीके से वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा।
वो मैंने तैयार कर रखा है, वो हम लास्ट सबसे लास्ट सेशन में उसको दिखाएंगे भी। तो क्योंकि अगर अगर मैंने उसको दिखा दिया जो हमारा मेन चीज है, फिर वो छूट जाएगा। जी तो ये गैस्टर भी हैं, ये गैस्टर का हम यूज कर सकते हैं। फुटर हो गया, इमेज, जैसे इसमें मेरे को कोई इमेज लानी है कहीं से, तो मैंने इसे क्लिक किया। अगर मेरे पास कहीं पे इमेज पड़ी होगी, मैं इसमें देख लेता हूँ डेस्कटॉप में। जैसे कोई मैप की इमेज है हमारे पास, ओपन करूंगा तो यहाँ पे इमेज भी आ सकती है इस प्रकार। आपने इमेज भी लाके और यहीं से इसको कहीं पे भी आसानी से कहीं भी आप इसको मूव करा सकते हैं। इसके बाद ऑडियो यहाँ पे हम ला सकते हैं, कहीं से फाइल से ला सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो हम यहाँ पे ला सकते हैं, वीडियो जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक वीडियो फाइल हम लाएंगे बाद में, उसको मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद यूट्यूब में आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, या वहां से भी ला सकते हैं यहाँ से। और बाकी ये जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन आपके ई कंटेंट बनाने के लिए, जैसे आपको ड्रॉप एरिया कहाँ पे करना है, कहाँ पे टैक्स एंट्री किए, बटन्स आपको बनाने, जैसे मैं एक बटन ले लेता हूँ, क्लिक करूंगा ये बटन आएगा, इसको आपको प्रोग्राम देना होगा कि ये बटन क्या करेगा, तो वो आप यहाँ पे दिखाएंगे अगर समय मिलेगा। ये रेशो बटन, रेडियो बटन है, ये आपका क्विज के काम आता है, जो आपको ये गोल वाला आप सेलेक्ट करोगे, ये इस प्रकार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो ये सब उसी में काम आता है। इसमें टाइमर भी आप यूज कर सकते हैं, टाइमर आपने क्विज में टाइमर लगा सकते हो आप, कि उतने टाइम के अंदर हमारा बच्चे परीक्षा दे, ये टाइम चलता रहेगा ऑटोमेटिक। जैसे 5 मिनट का रखा है तो 5 मिनट कर सकते हैं, तो सेट कर सकते हो आप इसको। यहाँ पर आप प्रोग्रेस जो आजकल प्रोग्रेस भी दिखता है कि आपने कितना कोर्स कर लिया, तो प्रोग्रेस व्यू भी दिखाई देता है यहाँ पर चलता हुआ। तो इसको जैसे मैं यहाँ पे रन कराऊंगा तो शायद दिखाई दे थोड़ा, ये दिख रहा है जी। प्रोग्रेस, और ये भी दिख रहा है। इसके बाद ये कर्सर पाथ है, जो इधर से उधर को आप मूव करा सकते हैं पॉइंटर को। इसमें मैं एक चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे सपोज आपने एक प्रेजेंट किया, तो हमने पीपीटी में देखा, हम उसमें एक कोने में ले जाके कोई चीज दिखा नहीं सकते, उसको जूम नहीं कर सकते ऑटोमेटिक। लेकिन इसमें सुविधा है, जूम इन पेन करेंगे आप जैसी, तो आपने देखा कि हमने इसको जूम कर दिया यहाँ पर ये टेक्स्ट, और जैसे ही मैं यहाँ से अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा, तो ये देखो कितना अच्छा ढंग से हमें दिखाएगा ये इस प्रकार। आपने देखा होगा इस प्रकार जो ऑटोमेटिक ये जूम होते हैं, ये आपने देखा यूट्यूब में जो वीडियो बनाने वाले होते हैं, वो भी इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो पेड होते हैं, तो बहुत महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें काम करते हैं कि कोई चीज हमें नजदीक दिखानी हो, तो प्रेजेंट करनी हो, तो वो इस तरह जूम इन पेन, इसमें जो सुविधा है बहुत ही अच्छी है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत अच्छे ढंग से। इसके बाद जो अभी आप वो सर पूछ रहे थे, मल्टीपल चॉइस हम बनाएंगे इसमें, मैं दिखाऊंगा मैं कैसे इसमें बना हुआ है। डिजाइन यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे मैं एक स्लाइड और ले लूं पहले, सपोज मैंने तीसरी स्लाइड ले ली और मेरे को बैकग्राउंड कोई चुनना है अच्छा सा, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, और ये कई सारे बैकग्राउंड है रेडीमेड, तो आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड आ गया मेरे पास, लेकिन ये बैकग्राउंड एक स्लाइड में ना होके सारी स्लाइडों में आएगा। तो इससे बेटर है कि आप इमेज को बाहर से डाउनलोड करके एक में लगा सकते हैं। ऐसा कलर आपको पसंद नहीं आ रहा, कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, अलग अलग कलर में आ रहा है। फॉन्ट यहाँ से आप कर सकते हो चेंज, बैकग्राउंड की स्टाइल यहाँ से दे रखा है, ये फॉन्ट की स्टाइल दे रखे बहुत सारे, इसको कर सकते हो। स्लाइड अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है, इसका जो साइज है वो आपको लग रहा है कि ये स्क्वायर में होता है वैसा होता है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो स्लाइड सेटिंग में। यहाँ पे जाके आप जो स्लाइड दे रखी है इसकी विड्थ और हाइट भी यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो, अपने अनुसार उसको चेंज कर सकते हो। ओके, इसके बाद है ट्रांजेक्शन टूल है इसमें, जो आपको पीपीटी की तरह ट्रांजेक्शन मिलेंगे कि दो स्लाइड के बीच में हम कोई ट्रांजेक्शन कैसे दे सकते हैं। दो स्लाइड के बीच में, जैसे मेरे को पहली स्लाइड को सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैं
देखता हूँ कि मेरे को जैसे इस प्रकार से आए स्लाइड, तो ये क्लिक कर दिया मैंने, तो टाइमलाइन यहाँ पे दिख रही है, ये भी इसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं पूरा। तो टाइमलाइन को जैसे हम इसको ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ आपने देखा कि मैंने जो ट्रांजेक्शन दिया वो पहली स्लाइड में यहाँ पर आ गया। यहाँ पे हरा जो नीला रंग दिख रहा होगा हल्का सा, यहाँ पे दिख रहा है जी, जी। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आपने देखा कि ट्रांजेक्शन दिखाई दिया होगा आपको नीचे से ऊपर की तरफ आता हुआ। इसको यहाँ से ये ऊपर को हो रखा है, इस समय आप इसको किसी भी डायरेक्शन से मूव करा सकते हो। अगर मैंने ये ले लिया तो ये इस वाले डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा, ये इधर से आता हो। तो ये ट्रांजेक्शन हम हर स्लाइड में दे सकते हैं। उसके बाद इसमें ट्रांजेक्शन के बाद आ गया है आपका एनिमेशन। तो एनिमेशन आप पता ही आपको कि आजकल इम्पोर्टेंट है एनिमेशन, तो सब लोग यूज करते हैं। तो जैसे हमने तो हम यहाँ से हटा देते हैं एनिमेशन, हमें जैसे देना है इसमें हमने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसमें हमें एनिमेशन देना, तो इंट्रेंस इफेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने देखा होगा ये एनिमेशन जाने पहचाने लग रहे हैं आपको। तो जैसे ग्रो एंड टर्न हमने एनिमेशन लेना, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, तो अब जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो यही स्लाइड प्ले होगी। लेकिन अगर आप इस वाले को करेंगे तो इंटायर मतलब तीनों स्लाइड प्ले होंगी। अच्छा, इससे एक ही स्लाइड प्ले होती है। तो क्लिक करा आपने, ये देखो एनिमेशन ये घूमा। दोबारा देख लेते हैं एक बार, ये देखिए आप, तो ये एक प्रकार से घूमता हुआ हमें दिखाई दे। तो एनिमेशन बहुत सारे हैं इसमें, तो आप एनिमेशन का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद ये एक्सपोर्ट है, आप इसमें वर्ड की फाइल भी यहाँ पर वर्ड में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, अच्छा एक्सेल में भी कर सकते हो, पावर पॉइंट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो फाइल। और जब हमें इन तीन साइड हमने जो प्रेजेंटेशन दिया इसकी भी हम वीडियो बनाना चाहे तो बना सकते हैं, यहाँ से वीडियो बन जाए। इमेज में कन्वर्ट करना चाहते तो इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी, HTML फाइल में हमें कन्वर्ट करना उसमें भी हो जाएगी। और आपको पब्लिश LMS जो मैंने बताया था लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पे जाके पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये था आपका प्रेजेंटेशन के टूल्स थे ये सारे, ये केवल प्रेजेंटेशन के थे। अब हम वीडियो कैसे इसमें निर्माण हम करेंगे, वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जो हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी चाहते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के कुछ टूल्स हम देखना चाहें जो और से थोड़ा इसमें अच्छे हैं, और मतलब काफ़ी मेरे को तो बेस्ट लगे। मैं अधिकतर इसका टूल्स का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो हमने एक स्लाइड ले ली ब्लैंक, आप चाहे सारी को डिलीट भी कर सकते हैं, मैं सारी को डिलीट कर देता हूँ एक बार। अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर आप चाहते हैं कि मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनाई इसी में बनाई या PPT में बनाई और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहता हूं, तो वो कैसे होगी? तो यहां पे जैसे हम जाएंगे, इस समय आप देख रहे हैं कि यहां पे कुछ नहीं है, मैंने सारी स्लाइडें हटा दी जी। चाहे आप चाहे स्लाइड भी रख लो इसमें तो भी वो वीडियो ऑटोमेटिकली पहली स्लाइड पे आ जाएगा। तो जैसे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाएंगे, रिकॉर्ड वीडियो करेंगे, जैसे मैंने रिकॉर्ड वीडियो करा तो आप देखेंगे ये मुझे सीधा डेस्कटॉप पे ले जाएगा या पीछे वाले बैकग्राउंड में ले जाएगा एक बार। तो यहाँ पर मैं इसको और मिनिमाइज कर दूं एक बार, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये इसका एक रिकॉर्डिंग एरिया है इस समय, क्योंकि हमने अभी सेलेक्ट इसका डिफॉल्ट यही है। और इसको हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने 400-300 पिक्सल ले लिया तो आप देख रहे हैं ये कितना छोटा हो गया, इतने में रिकॉर्ड कर लेगा ये, जितना आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इतने पे हम रिकॉर्ड इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इंटायर स्क्रीन पूरा का पूरा मेरे को रिकॉर्ड करना है तो फुल स्क्रीन ये ऑप्शन है, आप फुल स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड होगा यहाँ से। दूसरा क्या है इसमें, वेबकैम ऑन हो जाएगा, आपका जो लैपटॉप का पहला कैमरा होगा स्टार्टिंग का फ्रंट कैमरा वो अपने आप इसमें दिखाई देगा। इस समय क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो इस समय वेबिनार के साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ जुड़ा हुआ है जी।
उसने इसको हटा दिया सेटिंग। यहाँ पे ऑडियो है, ऑडियो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप हेडफोन लगा रहे हो या कंप्यूटर का ऑडियो यूज कर रहे हो या कोई दूसरा डिवाइस यूज कर रहे हो, उसको आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम अगर आप उसको लगाते हो। ओके, यहाँ पे आपको उसकी स्पीड दिखा रहा है वॉल्यूम की। अब ये तो था इसका पॉपअप मेन्यू, जो हम क्लिक करते ही ओपन होता है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन है, जैसे मैं रिकॉर्ड करूंगा इसको क्लिक करूंगा तो ये एक बार पूछेगा कि यही आपको यही साइज कंटिन्यू रखना है। हम करेंगे ओके, तो आप देखेंगे कि ये अब यहाँ पर नंबर आने शुरू होंगे 3, 2, 1। कंट्रोल प्लस एंड से भी आप इसको डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। अब मैं जैसे कोई भी आइकन को क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे इसको मैंने क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ को बंद कर दिया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको, 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 तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आइकन आया है, एक्टिव प्रेजेंटर का आइकन है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए आप, ये वीडियो चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये साउंड ऑडियो हमें दिखा रहा है पूरा का पूरा, ये ड्यूरेशन दिखा रहा है। यहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया कि कोई आ गया बीच में या किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो मैं बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं फिर यहाँ से करूंगा क्लिक तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ओके, अब क्या आपको रिकॉर्डिंग समाप्त करनी है, स्टॉप करनी है, जैसे आप स्टॉप करेंगे तो आपको दोबारा एक्टिव प्रेजेंटर अपने टूल में ले जाएगा, और यहाँ से अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए ही नहीं तो आप यहाँ से उसको डिस्कनेक्ट कर दे, खत्म कर दे रिकॉर्डिंग को, तो यहाँ से हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि मैं स्टॉप करूं। इम्पोर्टेंट टिप सर आपने भी बताई है कि जैसे अगर देखिए तीन बटन जो है इनके महत्व अलग अलग हैं, कि अगर मान लीजिए क्रॉस करके अगर हमको लग रहा है कि हम बंद करेंगे सेव हो जाएगा तो इसका मतलब वो सेव नहीं होगा, वो पूरा खट जाएगा, राइट सर? हाँ सर, ये काफी जरूरी है हमारे सभी शिक्षकों के लिए जानना कि अगर आपको सेव करना है तो जो सर बता रहे हैं जो मिडिल वाला बटन है इसको हम प्रेस करेंगे उससे सेव होगा, राइट सर? हाँ जी जी। अब जैसे हम इसको स्टॉप करते हैं तो आप देखेंगे कि ये अब प्रिपेयरिंग कैप्चर स्लाइड्स को यहाँ पे ले आएगा। अब ये यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि आपका जो वेबकैम था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ इस समय, तो वो नहीं हो पाया, नहीं तो डिफॉल्ट अपने आप ले लेता है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, इसको ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो देखेंगे कि आपका ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ गई है, पहली स्लाइड को आप चाहे डिलीट कर दो। ये अब यहाँ पर आपने देखा कि स्लाइड आ गई है, मैं इसको यहाँ से प्ले करके देखूँ, ये प्ले, और यहाँ पे आप देखो इसकी साउंड रिकॉर्डिंग भी दिखाई दे रही है, ये हल्की हल्की साउंड दिखाई दे रही है। जैसे मैं इसको प्ले करूंगा, आपका आवाज ही बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है, इसका मतलब रिकॉर्ड हुआ है। तो आपने देखा कि मैंने ये कितने आसान तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर ली। अब आप यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग करी है इसमें आप यहाँ से जाके टेक्स्ट भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एनिमेशन भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा इसका प्लस पॉइंट है कि आप इसमें यहाँ से जितने भी फीचर्स आप प्रेजेंटेशन के वो भी इसके बैकग्राउंड में, फ्रंट में या बैकग्राउंड में आप डाल सकते हो। साथ में जो कर्सर इफेक्ट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पर तीन ऑप्शन खुल जाएंगे, ये तीन ऑप्शन खुलेंगे। तो हमें कर्सर इफेक्ट चाहिए क्योंकि वीडियो को हमने क्लिक करेंगे तो वीडियो का तो यहाँ पे वही आएगा डिफॉल्ट की ऑटो प्ले, अगर हमारा है लूप लगाएंगे तो एक बार बार रिपीट होगा तो लूप हमें नहीं लगाना। सो मीडिया कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आ जाएगा, उसकी भी हमें जरूरत नहीं है, हमें कर्सर इफेक्ट की जरूरत है। तो हम कर्सर इफेक्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे, देखिए सर ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब कर्सर इसमें चला रहे थे तो कर्सर आप कैसा चाहते हो वो यहाँ पे दे रखा है, इसमें टाइप सर्कल या स्क्वायर, जैसे हमने सर्कल चुन लिया। अब इसका डिफॉल्ट येलो कलर आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस कलर को चेंज करूं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये ब्लू कलर का है तो येलो कलर अच्छा दिखाई देगा। व्हाइट में अगर व्हाइट बैकग्राउंड लोगे तो कोई फायदा नहीं, व्हाइट में रेड लोगे या ब्लू लोगे तो अच्छा दिखाई देगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कलर आप चुनना चाहते हैं। साइज जो कर्सर का होगा गोला रंग का जो दिखाई देगा वो 16 है, तो इसको जैसे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे,
ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे, 32 कर दिया मैंने, और ओपेसिटी इसकी 100 कर दी है, डार्क रहा, लाइट डार्क है ये, और डार्क करना है तो हम इसकी ओपेसिटी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो ये ज्यादा डार्क भी हो जाएगा। इसके बाद है लेफ्ट क्लिक इफेक्ट। जब माउस से हम क्लिक करते हैं किसी भी चीज को, तो उसमें आप चाहते हैं कोई इफेक्ट आए, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी, क्लिक साउंड, अगर हम साउंड देना चाहें तो हम कोई भी साउंड दे सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहे साउंड तो आप फाइल से भी ले सकते हो, कोई आप कहीं से आपने डाउनलोड करा वहां से भी आप साउंड ले सकते हो। तो साउंड नहीं देंगे हम केवल क्लिक इफेक्ट देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्लिक में दे रखा है इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसका मतलब होता है कि जो पानी का बुलबुला आपने देखा होगा, कई रिंग्स होते हैं उसमें, पत्थर डालते हैं कई रिंग्स निकलते हैं, तो इस प्रकार का इफेक्ट आएगा जब हम क्लिक करेंगे किसी चीज को, किसी आइकन को हमने क्लिक करेंगे तो वाला इफेक्ट इसमें दिखाई देगा। ओके, तो इसको साइज इसका हमने 20 रखा है और रेड रखा क्योंकि रेड अच्छा दिखाई देता है, ओपोसिटी हम इसकी थोड़ी बढ़ा देते हैं, इसको हम 134 करते, थोड़ा डार्क दिखाई दे। इसके बाद राइट क्लिक इफेक्ट भी है, अगर आपने कहीं पे माउस वीडियो बनाते समय लेफ्ट राइट क्लिक किया होगा तो उसका इफेक्ट भी यहाँ पर आएगा, चाहे आप म्यूजिक में देना चाहो या कर्सर में देना चाहो, तो हमने यही वाला ले लिया बीच का, ये ब्लू कलर में हो गया, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कलर, मैंने बताया बहुत कलर है। इसके बाद लेफ्ट डबल क्लिक इफेक्ट, अगर आपने कहीं पे लेफ्ट डबल क्लिक इफेक्ट किया वो भी इसमें हम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ कैसा आपको चाहिए, तो ये सारे इफेक्ट आ गए, हमने चार इफेक्ट कर लिए। तो मैं इसको थोड़ा प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि माउस अब कैसा दिखाई देगा जहाँ पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे तो स्क्रीन में मेरे को लग रहा है छोटा सा दिखाई देगा ये। तो ये रिकॉर्डिंग, ये देखो गोला दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आइकन आ रहा है एक्टिव प्रेजेंस का आइकन, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए आप ये वीडियो चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये साउंड ऑडियो हमें दिखा रहा है, ये ड्यूरेशन दिखा रहा है, ये रिकॉर्डिंग। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हो, और इसको अगर HTML में देखना है, HTML में हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, क्लिक करा मैंने तो ये प्रोसेस होगा, यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, और इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कंप्रेस मोड में फाइल को सेव करता है, आपको एक घंटे का अगर आप वीडियो बनाओगे तो 150 MB ही केवल इसमें यूज होता है, और वो भी HD मोड में, तो काफी मतलब कंप्रेस करके फाइल बनाता है, जिससे आपकी जो फाइल है काफी कम डाटा खाती है। और ये आपके स्टोरेज स्पेस का भी उतना स्पेस बचा के रखेगी, क्योंकि आपने लंबी वीडियो अपलोड करने में भी फायदा मिलता है उसको, हमें मतलब कोई और सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती कि हम अपनी फाइल को कंप्रेस करें, ये ऑलरेडी ही उसको कंप्रेस कर देता है, जैसे ये वीडियो था, ये वीडियो चल रहा है, आपने देखा यहाँ पे पॉइंटर में रेड आया था अभी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ये तो आपने सारा चीज सीख लिया, अब इसको फाइल को सेव कैसे करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए हम जाएंगे एक्सपोर्ट में, यहाँ पे फाइल ऑप्शन आएगा, फाइल को हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको इसे कौन से फॉर्मेट में करना है, वीडियो का साइज क्या रखना है, विड्थ क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है, तो हमें इसे कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ फॉर्मेट चेक करना है, इसमें कई सारे फॉर्मेट है, AVI, WMV, WEBM, MKV, तो MP4 सबसे बेस्ट होता है क्योंकि ये सभी प्लेटफॉर्म में चलता है, चाहे मोबाइल हो चाहे किसी में भी। जैसे हम ओके करेंगे तो ये पूछेगा कि ऑलरेडी एक्सेस जो पहले की मैंने बना रखी उसको रिप्लेस करेगा, मैंने कहा यस कर दो रिप्लेस, तो ये फाइल यहाँ पे प्रोसेस होगी, शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत सिंपल तरीके से अगर देखें तो हमने देखा है कि रिकॉर्ड करके किस तरीके से हम इसको वीडियो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और काफ़ी सारे टूल्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं जो अभी आपने बताया है सभी शिक्षकों को, और क्योंकि ये काफ़ी शिक्षकों के मन में काफ़ी प्रश्न भी ला रहे होंगे कि अच्छा हम वापस जाएंगे उसको बना कर देखेंगे, बनाने के बाद जो प्रश्न आएंगे तो वो
हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसके बाद भी इन प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे शिक्षकों को। जी आई थिंक एक्सपोर्ट हो गई है फाइल। अब ये जैसे एक्सपोर्ट हो गया, अब ये पूछ रहा है कि आउटपुट देखना चाहते हैं हम। यस, ओपन करेंगे आउटपुट। कहाँ पे है? जी ये है फाइल हमारी, यहाँ पर आ गई है और ये एक्टिव प्रेजेंटर के अंदर आएगी। ये इस चीज का ध्यान देखना कि बहुत लोगों को पता नहीं चलता फाइल कहाँ गई। तो दिस पीसी डॉक्यूमेंट एक्टिव प्रेजेंटर और अनटाइटल इस फाइल का नाम आ गया। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे अभी पूरे इंटायर स्क्रीन पे चलेगी। तो आप देखिए अब इसमें आपको बड़ा मजा आएगा देखना। अब मैं जैसे कोई भी आइकन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे तो आपने देखा। और इसका हम देख लेते हैं कितनी एमबी ये यूज हुई फाइल। प्रॉपर्टी में हम जाके देख लेते हैं इसकी। 1.90 एमबी यूज हुई थी, मतलब 1.90 और एचडी मोड में ये फाइल बनी। अगर आप इस इतनी एक मिनट की फाइल या दो मिनट की फाइल अगर मोबाइल में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी बड़ी फाइल बनती है। तो ये पूरा कंप्रेस कर देता है, केवल एक एमबी की फाइल बनी, वो भी एचडी मोड में। अब हम यहाँ पे कुछ और टूल्स देख लेते हैं वीडियो के, जो वीडियो एडिटिंग के टूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ एक नई स्लाइड ये, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे कोई वीडियो लाना है, जैसे मैंने पहले कहीं बना रखा है, तो मैं उसको कहाँ से लाऊंगा? तो वो इंसर्ट में जाएंगे हम, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दे रखा है वीडियो। वीडियो को जैसे मैं क्लिक करूँगा फ्रॉम फाइल, जो फाइल है वीडियो क्लिप इसमें देखता हूँ मैं। तो ये तीन मैंने वीडियो क्लिप रखे हुए हैं। तो जैसे मैं पहले वाली ये क्लिप को अगर लेना चाहूँ, इसको ले लेता हूँ, दूसरी क्लिप को ओपन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि वीडियो मेरा यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पे जो इसकी जरूरत अब पड़ेगी हमें पेन की, जो ये आपने देखा टाइमलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे ये इसकी वॉइस और फाइल दोनों दिखा रहा है और ये बाहर जा रहा है पूरा कंप्यूटर। तो आप चाहते हो कि ये कितना बड़ा वीडियो है, कि ये जो पूरा बाहर जा रहा है मेरे को बड़ी दिक्कत आएगी। तो ये तीन टूल्स हैं यहाँ पे। तो ये पहले वाले को आप क्लिक करोगे तो ये पूरा का कंप्रेस कर देगा, ये आपको दिखा देगा कि आप यहाँ से यहाँ तक लाइन तक आपका वीडियो है। तो यहाँ से हम जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो आपने देखा कि एक कार्टून मूवी है छोटी सी बच्चों की। अब आप चाहते हो कि इस मूवी का मेरे को कुछ हिस्सा काटना है, मेरे को ये इतनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपने ये देखा, ये जो मैं पहले बता रहा था प्ले हेड है, ये प्ले हेड को आप कहीं पे भी मूव करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मूव करा दिया, यहाँ पे इतना मैंने मूव करा दिया। और इसका एक ये राइट और लेफ्ट दो चीजें होती हैं। ये ऑरेंज कलर को मैंने इधर को मूव करा दिया। तो इतना हिस्सा अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ये वीडियो नहीं चाहिए, इतना हिस्सा मेरे को काटना है, तो आप सीधा यहाँ पे जाइए, यहाँ पे कट रेंज दिखा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक झटके में आपका वीडियो कट गया। आपने देखा सीधा कट जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, इतना हमने सीधा काट दिया। फिर अंडू कर लेते हैं इसको, ये हाईलाइटेड हुआ जो। अब ये हाईलाइटेड है, अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ, आप चाहते हो कि मैं इतना कॉपी करके इसको इतना वीडियो को फिर दोबारा पीछे ले जाऊं, तो यहां से आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, यहां से डिलीट कर सकते हैं। इतना वीडियो मेरे को नहीं चाहिए, आपने यहां से कट कर दिया, तो इतना वीडियो वो जो बीच का हिस्सा था पूरा डिलीट हो गया। फिर हम अंडू कर लेते हैं। सपोज यहां पे मैं क्लिक करता हूं और मैं इतना वीडियो चाहता हूँ बस, तो इसको मैं क्रॉप कर सकता हूँ यहाँ से। मेरे को केवल यहाँ से लेकर इतना वीडियो चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉप करूँगा। तो देखो आपने वो कट गया और ये थोड़ा जूम हो गया अपने आप, वो वीडियो वहाँ से पूरा का पूरा गैप हो गया, जो सेलेक्ट हमने हिस्सा करा था वही हमारे पास बचा। तो ये इसमें फीचर है कि आप क्रॉप भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो।
इसमें आप अपनी मर्जी का सिलेक्शन जो हमें लगता है बाकी शिक्षक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो में से हो सकता है एक सिलेक्टेड पोर्शन ही इस्तेमाल करना चाहें, क्योंकि हो सकता है कि पोर्शन आपको रिलेवेंट ना लग रहा हो, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप क्रॉप करके इस तरीके से उतना पोर्शन अपने वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, सर, कॉपी भी कर सकते हैं आप, जैसे आपको लगा कि मेरे को इतना जो मैंने वीडियो शुरू में दिखाया, क्या पता मैं दोबारा भी दिखाऊं, तो बार बार रिकॉर्ड करने में परेशानी आती है, अब यहीं से उसको कॉपी करके बाद में भी लगा सकते हो। उसके साथ साथ इसमें एक और ऑप्शन है कट, जो मैंने आपको बताया था कि आप चाहते हैं कि मैं बीच से वीडियो को काटना है तो इसको सेलेक्ट करिए। पहले मैं इसको वो कर लेता हूँ, ये जैसे सेलेक्ट करा, यहाँ पे ऑप्शन है जो बहुत बारीक है, बहुत छोटे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा और जहाँ पे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्ले हेड को, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से वीडियो कट जाएगा। ये देखो, ये हाइलाइटेड है और ये बिना हाइलाइटेड का है। अब मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा तो आप देखेंगे वीडियो कट चुका है, ये वीडियो कट गया। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो इतना बजने के बाद ये आवाज़ नहीं आएगी, ये वीडियो कट गया है। यहाँ जी पे आप यहाँ पर अपनी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हो या दूसरा वीडियो भी यहाँ पे डाल सकते हो, तो ये भी सुविधा तो फिर आ गया। इसके बाद इसमें ज्वाइन करने का भी है, जो वीडियो आपने काटा उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो, जैसे अभी हमने ये काटा था वीडियो, दोबारा कर लेते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पे कोई वीडियो काटना चाहता हूँ, प्ले हेड को मैं यहाँ क्लिक करूंगा, उसके बाद मैंने यहाँ वीडियो काट रहा है, यहाँ से कि मैंने वीडियो काट दिया तो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये इतना कट गया। आप इसके 10 टुकड़े भी कर सकते हो और 10 के 10 जोड़ भी सकते हो। अब क्या करना है, मेरे को जोड़ना है तो कंट्रोल इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल से इसको भी सेलेक्ट करो और ज्वाइनर में जाके यहाँ पे ज्वाइन में क्लिक कर दो आप, तो ये वीडियो अपने आप जुड़ जाएगा, सारे वीडियो जुड़ जुड़े। जाएंगे, तो ओके ये भी है। इसके बाद इसमें अगर आप चाहते हैं कि मेरे को कोई हिस्सा तेज फास्ट चलाना है, स्लो चलाना है, उसकी भी सुविधा है। आप चाहते हो कि मैं स्टार्टिंग में वीडियो को फास्ट चलाऊं, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करिए, ये इधर को मूव करिए इसको हल्का सा, इतना वीडियो आपको फास्ट चलाना है तो यहाँ पे जाकर आप जो रन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और 200 दे रखा है, आप इसको 400 कर दीजिए तो ये फास्ट हो जाएगा, और 200 से कम करेंगे तो स्लो हो जाएगा। ओके करके आप देखिए कि अब मैं इसको चलाऊं तो कितना फास्ट चलेगा ये। देखो ये फास्ट हो गया इस प्रकार। तो ये इसमें हम कर सकते हैं, कभी हमें जरूरत पड़ जाती है तो हम उसको अपने अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और सबसे जी इम्पोर्टेंट फीचर है साउंड का। आप चाहते हैं कि मेरे को बीच में साउंड नहीं चाहिए कुछ जगह पे, या मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करूं, मैंने 30 मिनट की रिकॉर्डिंग करी, अब मेरे को वही वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना है, तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि फिर मैं बैठ के दोबारा मेहनत करो, तो क्यों ना उतनी वीडियो को या तो कट कर दिया जाए या उतनी साउंड को मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक की साउंड हटानी है, तो इसको प्ले ऐड को हम जैसे यहाँ पे क्लिक करा, और आप चाहते हैं कि मेरे को इतनी साउंड नहीं चाहिए, जी ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जाएंगे आप साउंड वाले टूल पे और यहाँ पे म्यूट कर देंगे इसको। जैसे आपने म्यूट कर दिया, उसके बाद आप देखेंगे कि ये यहाँ से साउंड गायब हो गया। अगर आप यहाँ से इसको प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके बाद वो साउंड नहीं आएगी, जबकि वीडियो चलती रहेगी। दूध निकालना भी नहीं आता। देखो वीडियो चल रही है, जी साउंड गायब है वहां पे। तो यहाँ पे आप यहाँ से, ये साउंड का ऑप्शन है, ये रिकॉर्ड नरेशन, यहाँ से आप साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको यहाँ आप इंसर्ट कर सकते हो साउंड, तो ये वाली सुविधा भी है। और बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आपको इसमें डालना है तो वह मैं बता देता हूँ कैसे डलेगा। बहुत लोग पूछते हैं, जब भी मैं कभी वेबिनार में, मैंने भी अटेंड किए थे फ्राइडे को कई बार, तो कुछ लोगों के प्रश्न थे कि हमें पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे डालनी है, अगर डालते हैं तो वो तेज हो जाती है, उसे कम करना है, कहीं पे हम चाहते हैं कि साउंड आए ना हो, कहीं चाहते हैं कि आ जाए, जहाँ पे हम नहीं बोलते वहाँ पे आ जाए, तो वो सारी सेटिंग हम यहाँ कर सकते हैं।
हम यहाँ से जाके एक साउंड और ले सकते हैं यहाँ से, जैसे हम यहाँ पे गए इंसर्ट में जाके, जैसे मैंने कहा था ऑडियो, यहाँ पे लेके आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगी, सेकंड फाइल आ जाएगी साउंड, वो सेकंड आ जाएगी, तो दोनों साउंड फाइल एक साथ चलेंगे। जैसे मैं आपको एक और वीडियो यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, एक वीडियो मेरे को और लाना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम फाइल, तो जैसे मैं पहला वीडियो एक और ले आता हूँ ओपन, तो आप देखेंगे कि एक ये दो साउंड दिख रहे हैं आपको, दो फाइलें हो गई मेरे पास वीडियो की, एक वीडियो के ऊपर एक वीडियो और है, अगर मैं प्ले करूंगा तो दोनों वीडियो चलेंगे, दोनों की साउंड मिक्स हो जाएगी। अभी दोनों आवाजें आ रही हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को ऊपर वाले की साउंड बंद करनी है, नीचे वाले की वीडियो चले, तो अब यहां से बंद कर सकते हैं, वीडियो दोनों चलेंगे। अच्छा, इसका फायदा है कि आप वीडियो दोनों चला, इसको सेलेक्ट करो ऊपर वाले को, और ये जो साउंड है यहाँ से, इसको हम यहाँ से म्यूट कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि पहले वाले वीडियो की जो साउंड है वो म्यूट हो गई, लेकिन चलेंगे दोनों वीडियो आपस में, आप देखिए इसकी साउंड आ रही है क्योंकि हमने इसकी रखी है और ऊपर वाले की हटा दी। तो ये फीचर भी है, आपके दो वीडियो एक साथ हो गए तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ कट, और यहाँ पे जाकर मैं नया वो ले लेता हूँ एक स्लाइड ब्लैंक, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो ये वीडियो यहाँ भी आ गया, आप इसको फुल स्क्रीन पे कर दिए, तो दो वीडियो हो गए आपके पास। तो आप इन दोनों फाइल को भी जोड़ सकते हो, आप जैसी एक्सपोर्ट करोगे दोनों फाइल अपने आप जुड़ जाएंगे। अगर आप चाहोगे कि इस फाइल का कुछ हिस्सा काटना है, इसका कुछ काटना है, वो भी हो जाएगा, जैसे आप फॉर्मेटिंग चाहोगे, सारी सुविधा इसमें अवेलेबल है। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसमें जो क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, तो उसको मैं, इतना समय तो नहीं है, लेकिन मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ किस प्रकार इसमें मैंने बनाया था। तो जैसे एक फाइल यहाँ पे चल रही है, अब मैं एक और फाइल यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, एक और क्लिक किया मैंने, एक फाइल के साथ साथ दूसरी फाइल भी हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्विज बना रखा है, क्विज को ओपन करूंगा, तो आप देखेंगे कि दूसरी फाइल खुल गई है यहाँ पे, ये पहली फाइल है जिसमें हमने वीडियो डाले, और ये दूसरी फाइल है। आप यहाँ पे 3, 4, 5 फाइल में एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये वाली फाइल में हमने ये बनाया था क्विज, और इसको एक एक स्लाइड का मैं दिखाते थे, जैसे पहले पहली स्लाइड को क्लिक करूंगा, तो ये देखिए इसमें एनिमेशन भी दिख रहा है और नीचे एनिमेशन भी दिख रहा है। दोबारा मैं दिखाता हूँ, इस तरह एनिमेशन दिख रहा है। उसके बाद दूसरी स्लाइड है, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, लेकिन इसमें हमने फॉर्मेटिंग करी है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये फॉर्मेटिंग आ रहा है, प्लस का चिन्ह, प्लस करूंगा तो एक ऑप्शन ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ये इस प्रकार की जो आप बटन्स ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, या गोला ले सकते हो, या इसके कलर भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो इतना डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि एक स्लाइड ये बनाई, दूसरी ये बनाई, इसमें मैंने आंसर मुंबई रखा, महाराष्ट्र की राजधानी, तीसरी स्लाइड मैंने बनाई, इसमें गैंगटॉक रखा, सिक्किम की राजधानी, इस प्रकार चौथी स्लाइड कर्नाटक की बैंगलोर हमने ऑप्शन रख दिया, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी हमने रायपुर रख दिया, और लास्ट में एक स्लाइड है, ये ऑटो डिफॉल्ट होती है, इसको हम यहाँ से लेते हैं, ये रिपोर्ट स्लाइड ये ऑटोमेटिक आपके सारे जो इसमें आपने छोटा मोटा जो सेटिंग की, छोटी मोटी सेटिंग करी कि आंसर होना चाहिए, इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये जुड़ना चाहिए, वो यहाँ से उसको सारा कैलकुलेट अपने आप करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये क्लिक करना है, इसको क्लिक करते ही वो अपने आप जो आपकी छठी स्लाइड होगी ये वाली, ये आ जाएगी सारी, ये आपको कुछ नहीं लिखना है, ये अपने आप आ जाएगा सारा कुछ, आपको केवल ऊपर हेडिंग डालनी है,
और कुछ नहीं करना, ये भी अपने आप आएगा, इसको बस आपको कलर फॉर्मेटिंग करनी है। अब इसमें एक और चीज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब हम इसको चुनते हैं ऑप्शन को, हम जब से हम क्लिक करेंगे, हमने ये वाला टूल लिया, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन खुल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल, अगर आपको येलो कलर मैंने इसमें किया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, सॉलिड फिल कोई भी कलर कर सकते हो, सॉरी ये हम सेलेक्ट हो रखा तो ये सेलेक्ट हो गया कलर, अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तब हम बैकग्राउंड फिल कर सकते हैं, ये येलो हो रखा, आप इसको कोई भी कलर कर सकते हो, जैसे मैंने इसको डार्क ब्लू कर दिया तो देखिए डार्क, ऐसे ही आप बैकग्राउंड इमेज भी इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद एक सेटिंग ये आती है, इसको हमें लेआउट नहीं चेंज करना, शो इन मोड भी नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है, जो एनिमेशन और इसको जो प्रोग्रामिंग छोटी मोटी हमें करनी होती है वो इसके माध्यम से होती है, इसको इंट्रेसिटिविटी बोला जाता है इसको। इस पर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, इसको हम यहाँ पे नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें दिखा रहा है, तो इसको अभी हमने सेलेक्ट कुछ नहीं कर रखा इसलिए पूरा नहीं आ रहा, जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे कोई चीज, इसको जैसे मैंने सेलेक्ट करा तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखा देगा पूरा, कि आपने जो क्विज बनाई है उसका नाम क्या लिखा, मैंने लिखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1, ठीक है, वैल्यू इसकी 1 ही रहेगी, सो टॉगल बटन, पॉज, सब कुछ इसमें डिफाइन हो रखा पहले से, ये मेरे को डिफाइन करना क्वेश्चन 1, ग्रेड मैंने ले रखा पहले से, शफल का मतलब होता है क्वेश्चन आपके बदल बदल के आए, रैंडम ना आए बल्कि बदल बदल के आए, तो मैंने क्लिक कर रखा है इसको, पॉइंट्स मैंने एक दे रखा कि एक आंसर का पॉइंट एक हो, अगर आप एक की जगह 2 कर देंगे तो ये 2 को कैलकुलेट करे, अटेम्प्ट एक बार ही करे बच्चा, टाइम आउट मैंने इसमें डिफाइन नहीं किया क्योंकि टाइम आउट में समय भी ज्यादा लग जाता है बच्चों को, और ये बटन से बाकी इसको बाकी हमें कुछ नहीं करना। अगर अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहाँ पे, ये भैया अगली स्लाइड में कैसे जाएगा, इसमें आप कोई एनिमेशन दोगे तभी तो अगली स्लाइड में जाएगा, तो इसको हम जैसे क्लिक करेंगे बटन को तो बटन की प्रॉपर्टीज हमें दिखा देगा यहाँ पे, तो बटन की प्रॉपर्टीज हमें दिखाएगा, तो ये वैल्यू है इसकी सारी, ये आ रखा ऑन, अगर हम बटन को ऑन करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या करेगी, तो यहाँ पे दे रखा गो फॉरवर्ड फर्स्ट स्लाइड, तो पहली स्लाइड में जाए इस वाली में, इसको हम यहाँ पे क्लिक करके देखते इस प्रकार वेरिएबल यहाँ पे दिखाएगा। और अगर हमें और भी चीज देखनी है प्लस करके तो इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देगा, क्योंकि हमने इसको सेट किया हुआ है इसलिए एक ही चीज दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे कई सारे मीनू खुल जाएंगे जिसमें आप क्या चाहते हो, तीसरी स्लाइड में जाए, पांचवी में जाए, या लूप लगे, बहुत सारा इसमें, जैसे हम प्रोग्रामिंग में करते हैं वैसे आप इसमें कर सकते हो, कि अगर आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा, ये तो एक इमेज बन जाएगी, तो इसको डिफाइन करना जरूरी तभी ये काम करेगा। ऐसे ही है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये क्या बताएगा, फर्स्ट ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू तो अपने आप डिफॉल्ट ले लेगा, जिसको आप क्लिक करोगे वही ट्रू हो जाएगा, लेकिन सबमिट बटन को फिर आपको यहाँ पे इसको भी डिफाइन करना है, सबमिट करा तो ये इसकी प्रॉपर्टी यहाँ आ जाएगी, ये वाले सबमिट करने के बाद ये क्या होगा, सो ऑल शोइंग इंटरेक्शन शो करेगा, सबमिट करने पे ऑन क्लिक करेगा तो इंटरेक्शन मतलब आगे बढ़ जाएगा ये, और इसके बाद हमें कुछ मैसेज देगा कि आपका उत्तर सही है गलत, ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करके अभी ये सेलेक्ट हो रखा है ऑप्शन, अगर इसको हम हटा देंगे उसके बाद आप देखेंगे कि तो ये वाला कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको ये ऑप्शन चुनना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं फटाफट थोड़ा बता रहा हूँ इसको, तो नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि सॉफ्टवेयर है और इसको जितने डिटेल में आपने बताया है सर थ्रू आउट द टाइम, जहाँ पे हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है कि किस तरीके से हम, पहले हमने प्रेजेंटेशन देखा कैसे बना सकते हैं, कैसे उसके अंदर ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से हम वीडियो को बना सकते हैं, किस तरीके से वीडियो का संपादन किया जा सकता है, और उसके बाद जैसा हमारे पास एक प्रश्न आया था कि किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके अंदर बना सकते हैं, तो उसका भी हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देखा कैसे उसको बनाया जा सकता है,
और जैसे ही सभी शिक्षक इस सॉफ्टवेयर को आप अपने पास इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे सर अभी बता भी रहे थे कि जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता चलेंगी जो कि यूजफुल हैं और आप उनका यूसेज कर सकते हैं। सर एक और प्रश्न है आपसे, क्योंकि हमारा सेशन जो है वो काफी बिल्कुल अंत की तरफ है, तो क्या ये सॉफ्टवेयर जो है इसका कोई शुल्क लगता है सर, या फिर ये निःशुल्क सॉफ्टवेयर है? ये पूरा निःशुल्क है और 95% इसके जितने भी टूल्स हैं वो काम करते हैं, केवल एक दो टूल्स को छोड़कर। अगर आपको वो ये एजुकेशन बेस पे आप इसको क्लिक करेंगे पूरा फ्री है, लेकिन कोई प्रोफेसर के रूप में अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो वो एक दो टूल इसमें ऐसे हैं जो आपको पेड करने पड़ेंगे, बाकी तो सारा जो मैंने दिखाया वो सारा फ्री था। तो जो एडवांस इसका थोड़ा और चाहते हैं जिसमें थोड़ा फीचर्स और मिल जाए उनको, तो उसके लिए पेड उसको करना पड़ेगा। तो ये अब रन कैसे होगा मैं इसको दिखा देता हूँ जो हमारे व्यूअर्स को देखना चाह रहे एक बार। तो HTML प्रीव्यू में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे, तो ये HTML में आपको दिखाएगा सीधा, ये HTML है ये देखिए। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स हम जैसे पहला ले लेते हैं कि उत्तराखंड की राज्य की राजधानी में से कौन सी, जैसे मैंने देहरादून करा तो इस समय हमने सेटिंग थोड़ी छेड़ दी है इसकी, तो अब वो वर्क नहीं कर रहा है। यही होता है इसमें, अगर एक बार सेटिंग छेड़ दी तो ये काम नहीं करेगा। तो मैं इसको दोबारा देखता हूँ, दोबारा फाइल को लेके आता हूँ। जी, तो जिस तरीके से जब आप अपने भी क्विज बनाते हैं या जो भी चीज़ आप बनाते हैं तो सारी चीज़ों का पहले से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जैसे सर ने अभी बताया है। तो एक बार जब आप सेटिंग्स वगैरह चेक कर लेते हैं उसके बाद ही आप उसको एक्सपोर्ट करें और यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार हम देखते हैं। जी अच्छा, ये व्यू मोड में है और अब देखो ये काम कर रहा है क्योंकि हमने उसमें थोड़ा सेटिंग छेड़ दी थी। तो जैसे भारत के राज्य उनकी राजधानी, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा हाथ बनकर आ रहा है, इसका मतलब इसमें हाइपर लिंक है, ये अगली स्लाइड में हमें ले जाएगा। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर आके आप देख रहे हैं ये रुक जाएगा, जब तक आप इसका आंसर नहीं दोगे ये आगे नहीं जाएगा। तो हम इसका आंसर देंगे, जैसे उत्तराखंड की राजधानी जैसे देहरादून कर लिया हमने क्लिक, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आप बता रहे हैं आपका आंसर करेक्ट है। इस प्रकार महाराष्ट्र की राजधानी हम सही भर देते हैं मुंबई, सबमिट कर देते हैं, फिर ये बोल रहा आंसर सही है। सिक्किम की राजधानी हम गलत भर देते हैं, इम्फाल कर देते हैं एक बार, सबमिट, तो ये बता रहा आंसर गलत है। कर्नाटक की बेंगलोर है, सबमिट कर देते हैं, ये भी सही है। लास्ट में हमारी छत्तीसगढ़ की रायपुर है, हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने जानबूझ के एक गलत किया, चार सही किए। अगर आपका स्कोर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ये आगे आज की तारीख समय कितनी स्लाइड थी, इसमें 5 स्लाइड थी जिसमें से 4 सही हुए और आपके मार्क्स 80% आए, मतलब एक आपका गलत हुआ और आपके मार्क्स, कौन सा गलत हुआ वो भी आ रहा है यहाँ पे कि आपका कौन सा करेक्ट, कौन सा तीसरी वाली स्लाइड का पर्सन का उत्तर गलत हुआ। अब रिव्यू में हम जाके दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में जाके कि हमारा कौन सा गलत हुआ, ये सही है। इसमें लाइट हरा रन दिख रहा है यहाँ पे, इसमें भी दिख रहा हरा। यहाँ पे देखो ये हमने चुना था ऑप्शन, ये हमारा गलत है, ऊपर का आंसर आना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसमें रिव्यू भी कर सकते हैं और इसको अगर हमें शेयर करना हो, अभी मैं एक बार और दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे हो जाए LMS में जाकर, यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ये पूछ रहा है नया कोर्स आपको बनाना है, जैसे LMS में लर्निंग जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और कोर्स का नाम क्या है, जैसे मैथमेटिक्स है, मैं इसका नाम कुछ भी दे देता हूँ, जैसे इसका नाम मैं साइंस दे दिया, कुछ का नाम मैंने दे दिया, जैसे इसको पहले भी बनी हुई है तो इसको अलग नाम देना पड़ेगा, क्विज 5 कर दिया। टॉपिक जर्नल है, लेसन का नाम क्विज हो गया और मैं ओके करता हूँ तो ये पब्लिश होगा प्रोजेक्ट। हम्म,
ये कह रहा है कि इस नाम का पहले से बना हुआ है तो इसको दूसरा नाम देना पड़ेगा, एक मिनट, क्योंकि प्रैक्टिस करते समय हमने कई सारे बना दिए थे। देखते हैं कि इसको लेता है कि नहीं। तो ये आ गया, इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब ये कह रहा है कि आपको अपना कोर्स पब्लिश कराना है, तो व्यू कोर्स में जैसे जाएंगे हम, इसको हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक्टिव प्रेजेंटर ऑनलाइन इनका LMS खुल जाएगा यहाँ पे। ये आपको इसमें लॉगिन करना होगा, तो आपका नाम आ जाएगा, आपने यहाँ पे कोर्स बना दिया बच्चों के लिए, या आपका डैशबोर्ड हो गया, या कोर्स हो गया, ये लर्निंग हो गया, ये कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं कोर्स। अब यहाँ पे जैसे ये दिया, अभी मैंने नाम दिया था क्विज, इसको जैसे करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे लेकिन पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं इसमें जैसे गूगल से करके देखता हूँ इनमें। ये आ गया, और ये जो स्टूडेंट है गार्गी के नाम से, यहाँ पे कोर्स आ गया है, इसको जर्नल को क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आ गया क्विज, मैंने अभी फाइल दी थी यहाँ पर आ गया, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम एंट्री करेंगे इसमें, तो ये देखिए यहाँ पे क्विज खुल गया। तो जैसे बच्चे यहाँ परफॉर्म करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो उसके मार्क्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं बाद में रिपोर्ट में आने पे। यहाँ रिपोर्ट आएगा, क्योंकि ये मैं दूसरे लैपटॉप से कर रहा हूँ, ये मेरा वाला नहीं है, मेरे वाले लैपटॉप में मैंने 3-4 बच्चों को ये दिया था क्विज, तो उन्होंने जो करा था, तो मेरे को पूरा उसका मतलब व्यू आ गया था, किस बच्चे ने कितने समय किया, उनके क्या क्या मार्क्स आए। तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं अगर हमें आवश्यकता है, लेकिन मोस्टली हम इसका प्रयोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं, या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि हमने देखा भी है, क्योंकि बहुत डिटेल में सर आपने बताया है पूरे फीचर्स के बारे में, एक एक स्टेप्स को, और हमने अलग अलग प्रकार के इसके अंदर फंक्शंस भी कवर किए हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से लेके प्रेजेंटेशन, और साथ में हमने क्विज देखा, और अंत में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इसको आप LMS सिस्टम के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो इंटरेक्शन था आज का एक्टिव प्रेजेंटर के ऊपर प्रदीप सर के साथ, वो यहाँ पे विराम लेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे शिक्षकों को इस अच्छे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने के लिए, और हम अपने सभी शिक्षक जो हमारे साथ आज के दिन जुड़े हुए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सेशन में रहने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वापस अपने जाने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को चलाकर देखेंगे, चलाने के बाद इसके ऊपर जो कंटेंट बनता है वो भी हमारे साथ गुरुशाला पर शेयर करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आप हमारे साथ info@gurushala.cu पर शेयर कर सकते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जैसा हमने शुरुआत में बताया था कि गुरुशाला प्रोग्राम के द्वारा जो सेशन अभी कराया गया है, गुरुशाला प्रोग्राम इंडस्टार्स लिमिटेड और वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है, जिसको प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है। तो जुड़े रहिए गुरुशाला के साथ, और इस तरीके के आने वाले आगे सेशन के लिए भी आप अपडेटेड रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेशन जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।